30 डेज ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का पार्ट 5 वीडियोस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए 30 डेज का चैलेंज लिया हूँ पेपर ट्रेडिंग का, जिसमें दोस्तों मैं आप सभी को हर दिन स्टॉप लॉस के साथ और दोस्तों प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ में एक ही स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं और आप सभी को दोस्तों एंड में हम पूरा बताएंगे कि हम प्रॉफिट में रहते हैं या फिर लॉस में। तो आज पांचवा दिन है और पांचवा मैं ट्रेड लेने वाला हूं, तो आप सभी दोस्तों इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। जो भी होता है लॉस एंड प्रॉफिट आप सभी को प्रॉपर एनालिसिस करके बताएंगे कि हमने यहां पे मिस्टेक क्या किया था, या फिर फ्रेंड्स अगर हमारा प्रॉफिट बुक होता है तो वो दोस्तों क्यों हुआ, किस जगह पे हम बाय किए और क्यों बाय किए, वो भी प्रॉपर आप सभी को यहां पे चार्ट पे भी देखने को मिलेगा और जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो भी पीएनएल आपको पेपर ट्रेडिंग का देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 में ऑप्शंस बाइंग हम करते हैं आप सभी को जैसा कि पता होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने यहाँ पे अभी एक ट्रेड प्लेस किया है, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम एंट्री यहाँ पे किए हैं 231 पॉइंट, यहाँ पे 50 पैसे पे चल रहा था, यहाँ पे हमने एंट्री लिया है। और दोस्तों अगर हम यहाँ स्टॉप लॉस की बात करें तो 221.50 पे स्टॉप लॉस हमने रखा है 10 पॉइंट का, और अभी दोस्तों कितना चल रहा है 244 रुपये चल रहा है। तभी दोस्तों करीब हमें जो है 250-300 रुपये का जो है प्रॉफिट मिल रहा है। फंड दोस्तों हमने यूज़ किया है कितना, 5,787 रुपये का फंड यूज हमने किया है, ठीक है। दोस्तों हमने जो अभी एंट्री किया है वो काफ़ी अच्छा जगह पे एंट्री किया है, तो प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ से हम ज़्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। और अभी देख सकते हैं दोस्तों, ये आप सभी को चार्ट दिख रहा होगा, लाइव में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ट्रेड लेने का रीज़न था कि लोअर बैंड के बगल में ही, मतलब कि बाहर में ही एक कैंडल बना है पूरा सपोर्ट पे, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और दूसरा कंफर्मेशन यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल भी बना है। तो अगर यहाँ पे एंट्री, मतलब कि अगर पॉइंट से देखें तो यहाँ पे जो इंगल्फिंग कैंडल, जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है बड़ा वाला, इसके ऊपर जस्ट जो एक कैंडल बना है यहाँ पे दोस्तों एंट्री किया जा सकता है, ठीक है। तो लोग यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं, पर दोस्तों मैं यहाँ पे पहले ही एंट्री कर लिया था, जैसे ही ये जो रेड वाला कैंडल ब्रेक हुआ थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया। देखिए दोस्तों ऊपर से गिरावट भी आ रहा था, तो जैसे ही ये जो अपर बैंड आपको दिख रहा है ऊपर में, तो ऊपर से मार्केट जब गिरते हुए नीचे जा रहा था तो वहीं पे मैं पीई बाय करने की कोशिश कर रहा था, पर पीई में दोस्तों यहाँ पे बाय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो फ्रंट फेज का एप्लीकेशन है ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, पता नहीं दोस्तों कुछ देर यहाँ पे काम ही नहीं किया जिसकी वजह से पीई नहीं बाय हुआ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी फिर से अप साइड में हमने एंट्री बना लिया है 285-312 रुपये का, 350 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर अभी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम वॉच करेंगे, मतलब लोअर बैंड के नीचे दोस्तों एक कैंडल परफॉर्म हुआ था, बना था, इसी वजह से हम यहाँ पे दोस्तों एंट्री लिए हैं और साथ ही इंगल्फिंग भी यहाँ पे बना है, तो जिसके कारण यहाँ पे एंट्री हुआ है। तो अभी 286 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। आप दोस्तों देख सकते हैं 520 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। हमने बाय कितना पे किया था दोस्तों, 231 रुपये पे, अभी दोस्तों यहाँ पे चल रहा है 254 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अब जो है यहाँ पे टारगेट बुक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है 700 रुपये ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी 700 चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जस्ट अभी दोस्तों हम यहाँ पे वेट करते हैं और देख सकते हैं ये प्रीमियम का चार्ट है। तो दोस्तों इसका जो है करीब 300 रुपये पे जो है इसका आपका रेजिस्टेंस मिलता है 300 रुपये पे, ठीक है। तो अभी 662 रुपये, 657 रुपये प्रॉफिट हमें दे रहा है, तो 258 ही चल रहा है दोस्तों अभी, ठीक है, 260 अभी चला गया। अब हम यहाँ पे इसको ट्रेल करते हैं, ठीक है। जस्ट दोस्तों अभी हम ट्रेल यहाँ पे कर लेते हैं, 300-825 रुपये प्रॉफिट दे रहा है। जस्ट देख सकते हैं यहाँ पे आप एंट्री मतलब कि कर सकते हैं, 260 का हम यहाँ पे ट्रेलिंग करते हैं, तो 260 जैसे ही जाएगा तो हिट हो जाएगा मेरा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी रिफ्रेश कर रहे हैं हम यहाँ पे 712 रुपये, और ये दोस्तों टारगेट मेरा हिट हो गया, ठीक है, तुरंत ही मतलब 260 में चला गया, तो ये मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग 712 रुपये ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों ये मार्केट जो है बहुत ऊपर गया, मुझे भी लग रहा था दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा क्योंकि दोस्तों सामने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। तो चलिए अब हम देखते हैं चार्ट पे जाके लाइव। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं ट्रेड दोस्तों यहाँ पे प्लेस किया था अपना, देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस किया हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये हमारा प्रीमियम का चार्ट, ये वाला जो दिख रहा है ये प्रीमियम का चार्ट हो गया और ये हो गया निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है। तो अभी दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा मतलब आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू मैं ओपन कर लिया हूँ, और दो तीन रीजन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ट्रेड में जो इसको प्लेस किया हुआ, यहाँ पे ये जो ट्रेड प्लेस किया था और इसमें हमें दोस्तों कितना प्रॉफिट हुआ है, 700 कुछ रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो बाय किए थे वो कितना बज के कितना मिनट पे बाय किए थे वो जानना आपको सबसे पहले जरूरी है, तभी दोस्तों आप यहाँ पे समझ पाएंगे जो मैं यहाँ पे चार्ट में दिखाऊंगा आपको, ठीक है।
तो ट्रेड हम 9:47 में दोस्तों हम यहाँ पे प्लेस किए हुए थे, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अभी हम क्लिक करते हैं, 9:47 पे हम ट्रेड प्लेस किए थे। ये देखिए 9:47 पे कहाँ पे होता है, इधर होता है दोस्तों, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं अपने हिसाब से, मैं आप सबको यहाँ पे दिखाता हूँ। 9:47, तो ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है ये 9:50 का है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसी में प्लेस किए थे ट्रेड, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इसी में हम ट्रेड प्लेस कर लिए थे, इधर ही देखिए ये वाला कैंडल बना। उसके बाद फिर यहाँ पे तो दोस्तों पूरा इंगल्फिंग कैंडल एक पैटर्न हुआ है, लेकिन इंगल्फिंग कैंडल पूरा बनने से पहले ही इसका क्लोजिंग जो हुआ था इतना पे ही हम यहाँ पे प्लेस कर लिए थे। 231 रुपये जब चल रहा था प्राइस, 231 रुपये 50 पैसा, उसी टाइम दोस्तों हम ट्रेड ले लिए थे। यहाँ पे आप देखिए 231.50 दिख रहा होगा, उसी टाइम हम यहाँ पे ट्रेड ले लिए अपना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली हम ट्रेड लिए थे इसी जगह पे। और दोस्तों क्लोजिंग हम कब किए हैं, 10 बजे क्लोज किए हैं, 260 रुपये पे हम दोस्तों पूरा निकल गए, ठीक है। 231 पे एंट्री, 260 पे हम निकल गए, ठीक है, इधर ही निकल गए 260 पे। यहाँ पे देखिए 260 कहाँ पे है, यहाँ पे हम निकल गए 260 पे। करीब दोस्तों 29 पॉइंट हम यहाँ पे लिए थे। बाकी दोस्तों मैं चाहता तो और भी ज़्यादा यहाँ पे टारगेट ले सकता था, लेकिन फ्रेंड्स मैं स्टॉप लॉस ट्रेल किया था जिसके वजह से जो मेरा है स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। नहीं तो दोस्तों मुझे पता था कि बहुत ऊपर मार्केट जाने वाला है। और दोस्तों 231 रुपये पे हमने बाय किया था और मार्केट देखिए कहाँ तक जाके हाई मारा है, ये देख सकते हैं। इसका हाई ये वाला है, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हाई इसका हो गया आपका 302 रुपये का, ये हाई बनाया था 302 रुपये का। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप 231 पे बाय करते हैं और 302 रुपये का हाई बनाता है तो कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट मिलता है। देखिए एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ तक मतलब करीब दोस्तों 70 पॉइंट आपको मिल जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों मैं स्ट्राइक प्राइस वाला जो भी रहता है प्रीमियम वाला चार्ट दिखा रहा हूँ, ना कि दोस्तों निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी का अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अगर आप इस जगह पे एंट्री करते इस जगह पे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पे भी दोस्तों अगर हाई इसका आप चेक करें तो 90 पॉइंट से प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 70 पॉइंट आपका मिलेगा एक्यूरेट अगर आप इसको देखें तो, ठीक है। अब दोस्तों हम लॉजिक आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। और दोस्तों लॉजिक देखिए 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम में सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। बाकी देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट है एक, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देख सकते यहाँ से मार्केट डाउनफॉल हो रहा था, गिरते हुए यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप देखिएगा ध्यान से तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। ये देखिए ये जो कैंडल है बोलिंजर बैंड में, दोस्तों मैं आपको बताया था कि जब भी सपोर्ट पे, जब सपोर्ट पे पूरा मार्केट गिरावट पे रहता है, जब सपोर्ट के करीब कोई भी कैंडल एक दो कैंडल जो है वो ये जो बैंड है ये वाला लाइन, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लोअर बैंड है इसके बाहर में कोई कैंडल बनता है सपोर्ट पे तो दोस्तों मार्केट जो रहता है ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि ये जो है कोशिश करेगा ये वाला जो लाइन है कि इसके अंदर में ले जाने को कैंडल को, ठीक है, तो ये अंदर जाने का कोशिश करेगा यहाँ पे तो मार्केट जो है ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, ठीक है। एक तो दोस्तों ये वाला रीजन हो गया, दूसरा कंफर्म आप कब होंगे जब ये सपोर्ट पे बनता है। देखिए ये सपोर्ट पे ये ऐसा बना है, सपोर्ट पे दोस्तों देखिए एक कैंडल यहाँ बाहर बना, उसके बाद फिर एक यहाँ पे रेड बना, फिर से यहाँ पे रेड बना, अब दोस्तों देखिए ये वाला रेड बना, उसके बाद फिर एक ग्रीन बन रहा है और इसका दोस्तों जब आगे ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इसका ब्रेक किया तो यहाँ पे आप एंट्री मार सकते थे, ठीक है। और यहाँ डबल कंफर्मेशन आपको मिल गया इस जगह पे, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल पूरा फुल बना है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर गया है, ठीक है, और इधर फिर साइडवेज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि जब भी मतलब गिरावट पे नीचे गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है और अचानक से दोस्तों आपको इंगल्फिंग कैंडल बनते हुए दिखाई देता है तो उसके बाद फिर 30-40 पॉइंट दोस्तों 50 पॉइंट आपको आराम से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों हर रोज आपको ये नहीं मिलता है, अगर आप दिन भर देखोगे तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कि एक दो जगह पे आपको ट्रेडिंग मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड कि सपोर्ट पे आपका जो है एक कैंडल बाहर बनेगा बोलिंजर बैंड में, ठीक है, तो दोस्तों आपको कंफर्म हो जाना है मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है। मान चलिए कि किसी भी तरह से ये फेक हो गया, ठीक है, मतलब कि फेक यहाँ पे आपको बता रहा है, तो दूसरा कंफर्मेशन आपको कहाँ लेना है, ये वाला जो इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल आपका बन रहा है, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है एक रेड कैंडल बना, उसके बाद फिर इसमें से जो है वॉल्यूम देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है, ये वाला जो है वॉल्यूम सबसे ज्यादा इस जगह पे आया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो मेन कैंडल बना है इंगल्फिंग का, इसका दोस्तों ये जो और कैंडल बनेगा, ठीक है, या फिर इधर वाला कैंडल बनेगा तो इसका हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है। देखिए इसका हाई को ये ब्रेक कर दिया है, देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे
तो इसका हाई को ये वाला कैनल जो है ब्रेक किया है, देखिए इसका जो है इधर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लेते टारगेट तो आराम से यहाँ पे टारगेट आपको जो है मिल जाता है। देखिए यहाँ से भी अगर आप लेते तो यहाँ से देखिए कितना पॉइंट मिल गया, 50-55 पॉइंट तो दोस्तों इजीली यहाँ पे आपको मिल ही जाता, ठीक है। तो इतना दोस्तों आप समझ चुके हैं जो भी मतलब कि तरीका मैं आपको बताया, ठीक है। एक और चीज़ था दोस्तों, मैं डबल प्रॉफिट उस दिन कमा लेता लेकिन क्या हुआ कि फ्रंट पेज काम ही नहीं कर रहा था ऐप, ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री मारने की कोशिश कर रहा था, बार बार मैं मार रहा था एंट्री तो एंट्री हो ही नहीं रहा था। देखिए यहाँ तक आते तो 61-60 पॉइंट यहाँ पे भी मिल जाता, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे नज़र आया कि एक और ट्रेड यहाँ पे बन रहा है इंगल्फिंग बन के, तो दोस्तों यहाँ पे फिर हमने ट्रेड लिया, ठीक है। तो ये दोस्तों लॉजिक के ऊपर हमने ट्रेड किया है, कोई ऐसा नहीं कि दोस्तों मतलब बिना देखे मार रहे हैं। तो दो तीन रीजन आपको परफेक्ट मिलता है तब आप ट्रेड ले सकते हैं। तो बोलिंजर बैंड के ऊपर अगर दोस्तों हमने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आप नहीं देखें बोलिंजर बैंड वाला वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों तीन लॉजिक लगा हुआ, प्राइज एक्शन, बोलिंजर बैंड, ठीक है, तो और वॉल्यूम, ये तीन चीज़ को आप यूज़ करते हैं तो दोस्तों परफेक्शन तो आपको मिल ही जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और, इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर हम काम करते हैं, बेसिकली इंगल्फिंग जहाँ पैटर्न होता है बनता है पैटर्न, ऐसा इंगल्फिंग कैंडल बनता है वहीं पर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। विदाउट इंगल्फिंग का भी ट्रेड आप ले सकते हैं वॉल्यूम और बाकी बोलिंजर बैंड के अनुसार, ठीक है। लेकिन स्पेशल दोस्तों किसी भी इंडिकेटर पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं आग बंद करके, क्योंकि दोस्तों लेगिंग तो हर इंडिकेटर में होता ही है, ठीक है। तो प्राइज एक्शन उसमें दोस्तों इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, इंडिकेटर प्लस प्राइज एक्शन, और एक दो चीज़ और आपको कंफर्मेशन के लिए कुछ मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इसी जगह पर देखते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एक साथ में, ये भी दोस्तों मैं ओपन करके रखता हूँ जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तब, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तब दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म हो सकते हैं कि अच्छा खासा आपका जो है रैली मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ भी इंगल्फिंग बना है, यहाँ भी छोटा सा इंगल्फिंग एक पैटर्न बनने का कोशिश हुआ है, ये भी सपोर्ट पे बना है, ये भी सपोर्ट पे बना है। देखिए हाँ, अगर आप एंट्री करते तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाता पूरा, इसमें दोस्तों अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में एंट्री करते तो यहाँ तक भी आप प्रॉफिट ले सकते थे, पूरा पूरा रेजिस्टेंस तक गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दोनों सेम जगह पे बना है, अगर आप कैंडल टाइम देखेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं 9:45, यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं 9:45, ठीक है। सेम दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे बना है और ऊपर गया है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, दोनों चार्ट दोस्तों आपको देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों फिर हम जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किए हुए थे उसका तो मैं आप सभी को बता ही दिया हूँ, अगर नहीं देखें देखिए दोस्तों ये वाला अभी आप जस्ट आपको मैं दिखा रहा था। अगर दोस्तों आप बोलिंजर बैंड के हिसाब से करते तो ये आपका हो गया यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे सेकंड टारगेट आपका हो जाता, ठीक है। तो मैं दोस्तों फर्स्ट टारगेट ही बुक किया, करीब 30 पॉइंट दोस्तों मैं यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस हमने दोस्तों लिया था 23,200 का CE, ठीक है, 23,200 CE। जो भी दोस्तों करंट प्राइस चल रहा होता है उसमें से मैं क्या करता हूँ 100 पॉइंट घटा देता हूँ CE के साइड में, ठीक है, और PE के साइड में 100 पॉइंट जोड़ देता हूँ स्पॉट प्राइस में। तो इतना इजी है दोस्तों स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना और आराम से दोस्तों प्रीमियम अच्छा खासा उस पर बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दूसरा ट्रेड हम एनालिसिस कर देते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दूसरा ट्रेड में लिया था 250 रुपये, फिर दोस्तों मेरा लॉस हो गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चला जाता है तो हम सेकेंड ट्रेड लेते हैं, 10 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, मतलब कि 250 रुपये का रिस्क लेते हैं करीब हम, ठीक है। तो दो फ्रेंड्स जो हमने स्ट्राइक प्राइस फिर दूसरा बार सेलेक्ट किया था वो था 23,300 का, ठीक है, 23,300 के था। और टाइमिंग की बात करें तो 10:10 पे हमने ट्रेड लिया था। अब देखिए दोस्तों क्या यहाँ पे गलती हुआ था, 10:10 पे हमने ट्रेड लिया था, 10:10 पे देखिए ये वाला दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों गड़बड़ ये हुआ कि देखिए जब ये कैंडल बन रहा था और यहाँ पे ये जो नया कैंडल बना 10:10 पे हमने जो ट्रेड लिया था, देखिए ये वाला कैंडल बना और मुझे लगा कि दोस्तों इसको ब्रेक करके यहाँ तक ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे भी लेना मतलब कोई बुरा नहीं था, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी मार्केट बढ़ चुका था, देखिए यहाँ से साइडवेज हो गया जिसकी वजह से, और साथ ही यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस भी सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहीं से डाउनफॉल होना शुरू हुआ था मार्केट, यहाँ से डाउनफॉल होना शुरू हुआ था इस जगह से पूरा, और यहाँ तक दोस्तों ये चल ही गया था। तो यहाँ पर कोई समझदारी नहीं था ट्रेड लेने का, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है मार्केट पूरा हाई पर यहाँ पर दोस्तों चल रहा है, पूरा हाई पर, ठीक है। तो इतना आप समझ सकते हैं, इसमें दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ा, 250 का लॉस हुआ तो कोई दिक्कत, क्योंकि दोस्तों 500 का प्रॉफिट मेरे पास तो है ही, कोई दिक्कत नहीं इसका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंजल वन और धन के साथ आप जा सकते हैं दोस्तों, अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसमें। फिलहाल दोस्तों आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।